नर्वस हो? अब हो मैं बिल्कुल हूँ। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सुन सुन के आप पक गए हो पूरा? कमाना कब शुरू करोगे? पहले होता था चीजें कि आप तस्वीर क्रिएट कर रहे होते थे, तो वही एक सिर्फ एक महीना था। अब आप कहानियां बनाते हो यार, आप बड़े सच्चे इंसान हो। मैं पहली बार कोई सच्चा इंसान कैमरे के साथ इतना सच्चा इंसान देखा। वेलकम टू द फ्रेम ऑफ माइंड पॉडकास्ट। टुडे वी हैव तरुण चौहान सर विद अस एंड वी विल टॉक अबाउट हाउ ही थिंक्स एंड हाउ ही क्रिएट्स। तरुण चौहान जी, मेरे को ये बताओ, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो सुन सुन के आप पक गए हो पूरा? कमाना कब शुरू करोगे? किससे आता था ऐसा? शुरू तो घर से ही होती चीजें। अच्छा, और फिर दोस्तों तक, फिर पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि कमाता नहीं है। फिर सवाल आया, कैमरा कौन सा यूज करते हो? मेरे ज्यादातर जितने भी कैमरा हुए हैं खराब हो जाते हैं वक्त से पहले। आप मेरी सेहत और मेरी सेहत से मेरे कैमरा को अंदाजा लगा सकते हो। और अभी सवाल आते हैं कि आप शूट हमारे साथ कब शूट करोगे? तो चलो, ये सवाल उनका होता है, पर मुझे जवाब जब नहीं मिलता, मेरे भी सवाल होता है कि मेरे साथ काम क्यों करना है। तो ये लास्ट वाला ले लेता है कि लाइक आप अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हो या फिर काम कर रहे हो, कौन सी खूबियां या फिर कौन से लाइक चीजें देखते हो? पहले होता था चीजें कि आप तस्वीर क्रिएट कर रहे होते थे, तो वही एक सिर्फ एक महीना था। अब आप कहानियां बनाते हो उस एसेंस को, या उस सबको यही पता होता है कि आजकल का एक ट्रेंड है कि जो चल रहा होता है वही आप उस वही रिक्रिएट करो या एक्सेप्ट करो। पर मुझे ऐसा लगता है कि उससे बेहतर एक और पतला महीन धागा होता है, वो होता है कि इंसानियत। आप कितना, मेरे जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन है कुछ। अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाह रहा है किसी भी माध्यम से, तो मैं उन लोगों के साथ मतलब ज़्यादा प्रिफेर करता हूँ काम करना। कि हमने एक सीरीज शूट की, हमारी काफ़ी सीरीज होती है जिसमें कई बार ऐसा होता है कि जो मॉडल्स या एक्टर होते हैं उनकी प्रेफरेंस ऐसी रहती है कि उनकी जो चाहत ये रहती है कि वो खूबसूरत दिखें, और या फिर वो वैसे दिखें जिससे उनको काम मिले, जिसमें उनको पोर्ट्रेट इस तरीके से किया गया जिसमें उनके कैरेक्टर को और बेहतर ढंग से इस्टेब्लिश किया हो, जिसमें वो एकदम समाज के मायने में जो हीरो हीरोइन होते हैं उस तरीके से रिप्रेजेंट हो। पर कई बार मैंने इतना बेहतरीन तरीके से, जैसे अभी हमने एक कहानी शूट की जिसमें दो सहेलियां हैं, अगर देखा जाए तो वो किरदार शायद वो नॉर्मल इंसान नहीं जीना चाहे, क्योंकि ऐसा किरदार अगर हम खुद को एज ए एक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहे। पर जब मैंने देखा कि लोग उसके लिए भी तैयार हैं क्रिएशन के लिए, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है उन लोगों के साथ काम करने में। आपका जो स्टाइल है फोटोज निकालने का, इट्स ऑलवेज पूरा डिटेल में रहता है। अगर वही किरदार उसको दे रहा है तो उसकी साड़ी से लेके उसकी ज्वेलरी से लेके उसकी बिंदी तक एवरीथिंग इज परफेक्ट। सेकंड थिंग, इट्स ऑलवेज अबाउट द ओल्ड बॉम्बे टाइम्स, ऐसा ना कि विंटेज फोटोग्राफ्स दिखता है। तो ये आपका स्टाइल का, आपका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, लाइक आपने स्टार्ट कैसे किया? पिताजी मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन हैं, क्योंकि उनके जितने भी किस्से रहे हैं उसमें वो सन 70 में ऐसा था, और सन 70 को इतने बेहतर ढंग से, या अपने वक्त को इतने बेहतर ढंग से वो डिस्क्राइब करते थे। मैथ्स के टीचर थे, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, पर वो अपने वक्त को इतना बेहद सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करते थे कि इस तरह से पानी लेने जाते, इस तरह से ऊँट होते थे, या इस तरह से उन्होंने पढ़ाई की है, इस तरीके से वो चलते थे। वो वक्त को इतना सुंदर तरीके से डिस्क्राइब करते, तो कहीं ना कहीं मैं उस वक्त को जीने लगा। फिर मेरा, पहले मैं अपने गांव के बारे में बात करता, तो वहाँ के ट्राइब्स और जितना मैं कर पाया वहाँ के कल्चर के बारे में, क्योंकि वक्त के साथ, अर्बनिज्म के साथ वक्त का चीज़ें काफ़ी बदल रही है, तो गांव के बारे में बात करता था जितना सक्षम था, अकेले कर पाया। उस टाइम उम्र भी मेरी 18-19 साल थी, तो 2-3 साल किया, फिर सेहत साथ छोड़ दिया, फिर बड़े शहरों का रुख किया। और मेरी एक हमेशा ख्वाहिश रहती है कि हमारे जैसे हजारों लोग आते हैं, हर कोई शहरों में रह के काम करना चाहता है, और मुझे लगता है कि मैं शहरों को लेके काम करूं। तो पहली तो यही एक भावना थी मेरी कि मैं जिस शहर में रह रहा हूं उस शहर के लिए मैं क्या दे रहा हूं। तो मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो कि ये किरदारों की स्टोरी नहीं है सिर्फ, ये एक शहर का भी स्टोरी है? शहर का स्टोरी है, और सबसे बड़ी मजेदार बात है कि जो इसका मेन मोटिव था कि हजारों लोग एक भीड़ की तरफ भाग रहे हैं फैशन को, जो एक कहते हैं, मुझे लगता है कि फैशन मॉरिशियन कोई कल्चर है, उसके कोई धोती कुर्ता या फिर साड़ी या फिर कोई भी ट्रेडिशनल अटायर हो, पहनावा हो, या उनका खान पान हो, वो अपने आप में एक फैशन है।
और हर शहर की ऐसे फैशन है, पर क्या करते हैं कई बार लोग फैशन के मायने बदल रहे हैं, लोग यूरोपियन कल्चर से इंस्पायर हो रहे हैं, उसकी ओर भाग रहे हैं। मैं खुद भी यूरोपियन कल्चर का हिस्सा हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं अगर समाज को क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ एज ए आर्टिस्ट। और दूसरी सबसे बड़ी वजह रही है कि उस समय कई लोग रहे, महिलाएं, पुरुष, हमारे जैसे नौजवान लड़के लड़कियां, वो उन्होंने वक्त जिया पर उनको डॉक्यूमेंट किसी ने नहीं किया उस वक्त के हिस्से को, क्योंकि ये मीडियम इतना डेवलप नहीं था। आज आप जैसा मेरे जैसा इंसान, हम आम इंसान हैं, चलो हम तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, पर जो मजदूरी कर रहा है, दो वक्त की रोटी कमा रहा है, वो भी अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है। पर ऐसे कई लोग होंगे जो अगर हमारे माता जी पिताजी की उम्र के, अगर उन्होंने वक्त जिया है पर उनको डॉक्यूमेंट किसी ने नहीं किया। ये धनी लोगों का एक मीडियम था, अगर कोई प्रिंसेस है या कोई किसी अच्छे खानदान से ताल्लुक रखता है, सेलिब्रिटीज हो गया, उन्हीं की लाइफ को, निजी जीवन को डॉक्यूमेंट किया गया, और आम लोगों के जीवन को डॉक्यूमेंट नहीं किया गया। तो मेरा एक कंट्रीब्यूशन था कि वो लोग जो आज भी है जीवित, आपके परिवार में अगर दादाजी होंगे, पिताजी होंगे, माताजी होंगे, जो भी हैं परिवार में बुजुर्ग लोग हैं, जिन्होंने वो वक्त देखा, और उनकी वो यादें इतनी धुंधली पड़ रही है क्योंकि हमने इतना डिजिटल एक एनवायरनमेंट बना रखा है, डिजिटल एक पॉल्यूशन कर रखा है। तो मुझे लगा कि मैं उन लोगों के लिए कुछ करूं, उनकी मेमोरीज को रिफ्रेश करूं, और उन औरतों के बारे में, उन लड़कों के बारे में, उन बच्चों के बारे में, उन बुजुर्गों के बारे में, समाज के हर हिस्से के बारे में, जितनी मैं अभी तो मैं जितनी बातें कर पा रहा हूँ शहर में रहते हुए, मैं उतनी कर पा रहा हूँ, पर आगे कोशिश है कि हर देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में जाके उन लोगों के बारे में उनको प्रिजर्व करूँ, आर्ट को, उनकी लाइफस्टाइल को, कि और एक तो ये वजह है उनको कॉन्ट्रीब्यूट करना, उन बुजुर्गों को जो आज भी है, और उनको रिफ्रेश। कई बार मैसेज आते हैं, कई बार हमें मैसेज मिलते हैं कि हमारे पिताजी की कहानी ऐसे मिलती जुलती है, कई बार कोई हमें मैसेज करता है कि हमारी दादी, हमारे परिवार वाले, पहला कोई ऐसा आर्टिस्ट होगा जिसके काम को लोग शायद गर्व की बात ही मुझे महसूस। हाँ, मतलब अगर आपका काम एक जनरेशन गैप पूरा कवर कर लेता है, बिकॉज आई लाइक द थॉट वेर यू सेड कि 70s का जो टाइम था, जहाँ पे जब एवरीडे लोग जो आते थे, जिनकी निजी जिंदगी किसी को कोई कैप्चर नहीं कर पाता, वो आप डिजिटली फोटोग्राफी से रिक्रिएट कर रहे हो। बिकॉज एक रहता है कि अभी आपको भी बहुत लोग कॉपी करते होंगे, लाइक वही फिल्टर डाल देना, उसी तरह के कपड़े पहनाना, बट वो कितना ही कॉपी कर लेंगे, बिकॉज आपका जो रीज़न है ये सब करने का वो काफ़ी अलग है। यू वॉन्ट टू रिक्रिएट दोज 70s का मेमोरीज फॉर एवरी वन एंड एज मैनी स्टोरीज एज यू कैन, वाइल समवन एज उसको सिर्फ एक ही सीरीज बनाना है और उसमें ख़त्म कर देगा। वो भी एक अच्छी चीज़ है, मुझे लगता है कई बार तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि वक्त के उस हिस्से को छेड़ गए, क्योंकि रिक्रिएशन ऐसा है कि लोग क्या करते हैं, जो बाहर है उसको भीतर करना चाहते हैं, जितना है कि ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो सब क्रिएट करते हैं और भीतर करने की कोशिश करते हैं। उसमें कई मेरे दोस्त भी हैं, कोई अनजान लोग भी है, कोई अलग अलग देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में है, और मैं क्या करता हूँ, मेरा एक सिंपली कोशिश रहती है कि मैं एकांत प्रिय इंसान हूँ, अपने आप में बैठा रहता हूँ। पहले पहाड़ों पे था, कभी रेगिस्तान में बैठा रहता, कभी हिंदुस्तान के विभिन्न विभिन्न हिस्सों में 10 साल में मुसाफिर रहा, पर घूम फिर के जब मैं इस शहर में आया, और तो मैंने एक चीज़ देखी कि मेरे भीतर बहुत कुछ है, तो मेरे भीतर है वो मैं बाहर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हर बार मैं करने की कोशिश करता हूँ, और उसका बेस है कुछ नया नहीं है, बस उसमें इमोशंस है, वो बेहतर ढंग से मैं रिप्रेजेंट कर पाता हूँ। और एक्चुअली वही चैलेंज है कि आप एक ही तरह के एडिट्स है, एक ही तरह का कलर पैलेट है, एक ही तरह का टाइम है, लेकिन वो टाइम लाइन में भी आप अलग अलग तरह की स्टोरीज देख रहे हो। जैसे आपने वो सहेली का हो गया, दो सहेली का था, कमलेश के साथ आपने जो किया था वो एक अच्छा था, फिर आई थिंक एक बिजनेस पर्सन का आपने करवाया था कि एक बंदा है जो बॉम्बे आ रहा है और खुद का बिजनेस सेटअप कर रहा है एंड ऑल, उस तरह के। तो मतलब मुझे वो ये काफ़ी अच्छा लगा कि बिकॉज इट इज़ यू आर डूइंग इट लाइक अ ओरिजिनल वर्क, आपको मालूम है आप क्यों कर रहे हो, और फिर आप उसी धागे से नए नए धागे निकाल के अलग अलग स्टोरियाँ बुनते जा रहे हो। तो ये आप मतलब स्टोरीज कैसे खोजते हो, आप कुछ लोगों से मिलते हो, कोई इंटरव्यू करते हो, आपका प्रोसेस क्या है स्टोरीज खोजने का? आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में करेंटली तो काफ़ी लिमिटेड लोग हैं एक्चुअली, मेरी मॉम, मेरा भाई छोटा, माय फादर पास्ट अवे 2 साल पहले। तो आप माता जी के साथ रहते हैं? हाँ, आई स्टे विद मॉम। माता जी कैसे हैं? माय मॉम इज़ लाइक अ रेगुलर हाउस वाइफ। और आप फोटोग्राफी कैसे शहर में आए? आई बिकॉज मेरे डैड जो थे ना, वो काफ़ी इनको शौक था फोटोग्राफी का,
तो खुद से तो फोटोज निकालते ही थे, और कभी कभी अगर उनको फोटो लेना है तो वो मुझे दे देते थे कैमरा और मैं उनके फोटोज खींचता था। अगर आज आपके पिताजी होते तो आप चाहते हैं उनको डॉक्यूमेंट करते हैं? हाँ लाइक डेफिनेटली लाइक दैट इज वन ऑफ माय मेनी रिग्रेट्स एक्चुअली, कि मैंने फैमिली के उतने फोटोज नहीं लिए। इवन आपको एक मौका मिले लाइफ में, हाँ डेफिनेटली आप एक छोटे बच्चे हो या जैसे भी जिस उम्र में हो, अगर 20-30 साल अगर वक्त को पीछे लेके जाए, हाँ आई डेफिनेटली डू इट। कैसे, किस तरह से आपके पिताजी की तस्वीर आप लेंगे? तो आई विल ट्राई टू फाइंड कि उनका जो एलिमेंट है ना, उनका पर्सनैलिटी का जो एलिमेंट है, उनको मूवीज देखना काफ़ी पसंद था, सो आई माइट गो एंड फाइंड सम प्लेस जहाँ पे पुरानी सीडीज कोई बेच रहा हो मूवीज़ की या फिर म्यूजिक की, तो मैं उनको वहाँ पे लेके जाऊँगा। चोर बाजार में ऐसे कई दुकानें हैं जहाँ पे पुरानी सीडीज, पुराने मूवीज़ के पोस्टर बेचे जाते हैं, शायद मैं उनको वहाँ पे लेके जाके वो फोटोशूट करवाऊँ। आपका सवाल क्या था मेरे से? कि हाउ डू यू फाइंड दीज स्टोरीज? ये कहानी आपने मुझे बताई। बट लाइक ऑल ऑफ देम आर लाइक फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ। कहानियाँ क्या होती है कि मैं माध्यम हूँ, मैं कभी कहानीकार नहीं रहा। ओके ना मैं कभी कहानीकार बन सकता। अब जिस सजीव जी से आपका एक पिताजी के साथ रिलेशन रहा है, आपने कहा कि उनका, आपने मेमोरीज बताई कि वो सीढ़ी लेने जाते थे, करते थे, तो कितनी सुंदर बात है। अब तो वैसे ही कहानियाँ होती है कि मैं सोचता हूँ, मैं अगर आपने इतना किया, इतनी थोड़ी बात कही, अब मैं आपकी जगह रह के देखूंगा, अगर मैं वो बेटा होता तो मैं कैसा होता। और कहानियां वहीं से निकलती है, और कहानियां आसपास ही है, आप में और मेरे में, आसपास के लोगों में, सब में कहानियां। एज अ फोटोग्राफर काफी लोग इंट्रोवर्ट रहते हैं, तो उनको एकदम स्ट्रेंजर लोगों से बात करना या फिर ये करना परेशानी होते है। लेकिन अगर आपका सोर्स मटेरियल ही है कि लाइक भिन्न भिन्न कहानियां फ्रॉम लाइक पास्ट, जो वो सदी के लोग रहे उनके, तो आप ऐसे बुजुर्गों का या फिर किसी के पिताजी के बारे में पूछते हो आप किसी से? देखिए, इसका ये बड़ा मजेदार सवाल है कि इसका क्या होता है कि इंस्पिरेशन ऐसी कुछ, पहले तो गांव के लोगों के, बुजुर्गों के बारे में बात कर रहा, जैसा मैंने बात कही, मैं अपने गांव को लेकर बात कर रहा था। जब इस शहर में आया तो मुझे बड़ी विचित्र बात लगी कि हर कोई फैशन तो कर रहा है, जो हजारों लोग कर रहे थे वो बेहद सुंदर कर रहे हैं, मुझसे बेहतर कर रहे हैं, और या फिर वो जो करना चाह रहे वो कर रहे हैं। जो एक चीज मिसिंग थी वो एलिमेंट ये था कि जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर रहा था। और इसमें इंस्पिरेशन तो रही है मेरे गुरुदत्त साहब से, सत्यजीत रे साहब से, अगर सत्यजीत रे साहब ने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है सिनेमा को, समाज को, गुरुदत्त साहब ने जो समाज को, सिनेमा को जो कंट्रीब्यूशन किया है, और कई ऐसे पेंटर्स हैं, अमृता शेरगिल, कई राइटर्स हैं, सादत हसन मंटो साहब, तो इन तरह के जो शायद लुधियानी साहब, अमृता प्रीतम जी, सबका समाज में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। मेरा कोई माध्यम नहीं था, मुझे बस सुकून, अपने सुकून के लिए, मैं भीतर अगर कुछ घटित ना करूं तो मुझे नींद नहीं आती, मैं विचारों में उलझा रहता हूं, हर वक्त उलझा रहता हूं, मेरे विचार मुझे सोने नहीं देते, और वो विचारों को अगर मुझे लगता है कि ये कला लोगों के लिए शायद कला हो सकती है, मुझे लगता है मेरी फ्रस्ट्रेशन है जो मैं हैंडल नहीं कर पाता, मेरे भीतर है कुछ जो है वो मैं जी रहा होता हूँ, अगर जब तक उसको किसी रूप में ना दूं, अगर जो आप मेरा काम देखते हो, अब वो मेरा काम है भी नहीं, जो मेरे भीतर है वो मेरा है, अगर उसको मैं एग्जीक्यूट नहीं करता तो मुझे वो और खाएगा, और जो भीतर है वो मैं बाहर निकाल देता हूँ, वो मेरा कभी है ही नहीं, वो आप सबका है, जितना आप मेरा है उतना आपका है, और जितना आपका वो मेरा है, बस उतना ही है। ये वाला काफी इंटरेस्टिंग आपने बताया कि आप अपने भीतर के एक्सप्रेशंस को फोटोग्राफी के थ्रू कर रहे हो, बट मैं जानता हूँ कि आप लिखते भी हो जी, आप पेंट भी करते हो, राइट? तो ये सारे आपने कैसे ढूंढे कि आपको ये माध्यम प्रेफर करोगे आप? एक अगर जैसे लिखना होता है आपका, आपके जैसे आपके कैप्शन भी काफी डिटेल रहते हैं, उसमें भी आप स्टोरी बुनने का ट्राई करते हो, तो आप अगर कोई सीरीज शूट कर रहे हो तो उसका प्रोसेस क्या रहता है? आप पहले लिखते हो उसको, पूरे स्टोरी को, तो लाइक हाउ डज इट गो? इस सवाल का दो चरणों में हम बात करेंगे कि इसका क्या होता है कि कई बार जो हम जिस भाषा में अभी बात कर रहे हैं, ये मेरी चौथी भाषा है, जिस भाषा में आप, जिस भाषा से मुझसे बात कर रहे हैं अभी, या हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंसानी भाषा जो है हमारी, तो ये मेरी चौथी भाषा है। मेरी पहली भाषा तस्वीरें ही है जिनके जरिए मैं बातें करता हूँ, और मेरी दूसरी भाषा है जो मैं लिखता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ उसमें मैं और सहज महसूस करता हूँ, और जो मेरी तीसरी भाषा है वो है पेंटिंग से, और जो चौथी भाषा है जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं, इंसानी भाषा,
इससे मैं थोड़ा परहेज करता हूँ, क्योंकि बोलते हैं ऐसा है कि बोलने में मुझे मालूम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना बेहतर नहीं हूँ जितना मैं, जितनी बेहतर ढंग से बात मैं तस्वीरों में कह दूँ, जितनी बेहतर ढंग की बात मैं शब्दों में कह दूँ। बोलना मुझे लगता है थोड़ा वो रह जाता है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। ये आपको कब रियलाइज हुआ कि फोटोग्राफी आपका पहला प्राइमरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, और जैसे आप बोल रहे हैं आपका लैंग्वेज हुआ है प्राइमरी? क्योंकि ऐसा है कि जब आप मैं विचारों की बात करता, मैं अगर इंसानी दुनिया को समझाऊं कि कोई बुजुर्ग है वो ऐसा है, कोई चल नहीं पा रहा तो ऐसा है, कोई बोल नहीं पा रहा तो ऐसा है, गांव का वातावरण ऐसा है, मैं अगर उनके बारे में बात करूं, किसी को उसके बारे में फिक्र नहीं है, लोगों ने नज़रअंदाज करते थे, लोग मेरी बातों को सुनते नहीं थे कि सब सिर्फ ऐसे ही है कि समाज दुख लोग ये बातें करता रहता है, तो उसमें मुझे लगा कि लोगों को ये मेरी बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, व्यक्तिगत बातों से। तब मैंने कैमरा चुना और कैमरा के जरिए मैं और सहज महसूस करने लगा और वो बातें सुनी गूंजने लगी। सो गुड, वो बातें अब लोगों को समझ में आ रही है, तो मुझे लगता है कि वही मेरी बेहतर भाषा है, वो मेरी लैंग्वेज है। पहले आप ही अपना जो भी फोटोग्राफी का काम है वो लोगों तक कैसे पहुंचाते थे बिफोर इंस्टाग्राम? बिफोर इंस्टाग्राम मैं इसी दौर में मैंने जन्म लिया। सर सबसे बड़ी विचित्र बात है कि मैं इंस्टाग्राम के दौर में ही मैं इस मीडियम को जान पाया। अच्छा। मतलब इसी दौर का ही मैं हिस्सा हूं। तो आप बॉम्बे आए थे 2016 में, राइट? 13 जी। और फोटोग्राफी आपने कब ढूंढा? फोटोग्राफी ने मुझे ढूंढा। मैं तो लफंगा इंसान था, गांव में पढ़ाई नहीं करता था। अभी आप अपने फोटोग्राफी से आप पैसे कमाना चालू कर दिया? हाँ, कमाता हूँ पैसे। अच्छा, अच्छे खासे कमाता। किस किस तरह की फोटोग्राफी आप करते हो कमर्शियली? जो आप देख रहे हो वो तो नहीं करता। नहीं, तो मालूम है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि शुरुआती दिनों में ऐसा रहा कि किसी ने मौका नहीं दिया। काम तो हर कोई करना चाहता, बेहतर ढंग से करना चाहता है, पर किसी ने किसी को विजन नहीं समझ आता। हम ब्रांड्स को अप्रोच करते थे, हम मॉडल्स को अप्रोच करते थे कि आप हमारे विजन्स के साथ जुड़िए, हम एक्ट्रेस को अप्रोच करते थे, हम मेकअप आर्टिस्ट स्टाइलिस्ट सबको अप्रोच करते थे, पर कोई उस विजन के अंदर किसी को सब स्वार्थ देखते थे, फायदा रिटर्न देख रहे थे, रिटर्न किसी को नजर नहीं आया। और रिटर्न क्या हो सकता है? तो वो रिटर्न जब नजर नहीं आता है, कमर्शियल काम वैसा ही होता है कि आप अगर एक कुछ अमाउंट ऑफ एक अपने एक जो आपकी पैसा आ रहा है उसका एक अमाउंट आप खर्च करते हो जिससे आपको रिटर्न मिले, वापसी मिले। तो ये मेरे काम में कहीं उनको शायद नहीं दिखा, क्योंकि ये काम ऐसा है कि ये अपने लिए आज हम हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये मेमोरीज हैं, मसल्स हैं। आज जो बच्चा पैदा होगा उसके पास क्या मसल्स होगी जो रिक्रिएट करेगा या कुछ बनाएगा? मैंने अपने पिताजी की आंखों में वो जीता हुआ वो वक्त दौर जीते हुए देखा, अपना दौर जीते हुए देख रहा हूँ, बचपन देखा। मेरी तो यही भावना रही है और मैं कमर्शियल काम में भी यही कोशिश करता हूँ। ब्रांड्स ऐसे होते हैं, ब्रांड्स को ये चीज़ें कई बार होते हैं, कुछ ब्रांड्स होते हैं जो चाहते हैं वो कहानियाँ बनाते, फ्रीडम देते हैं कि ये आप एक अमाउंट है, आप जो करना चाहो करो। तो कुछ साड़ी के ब्रांड है, कुछ लहंगे के ब्रांड है, कुछ ज्वेलरी ब्रांड है, उनके लिए काम करता हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि आपको वो फ्रीडम नहीं मिलता, तो मैं अवॉइड भी करता हूँ उस तरह के काम। प्रोजेक्ट महीने में 2-4 करता हूँ जिससे मेरी ज़रूरतें बहुत कम हैं। बॉम्बे के साथ आपका क्या रिलेशन है? जैसे आपने बोला कि बहुत बार बॉम्बे ने आपको भेज दिया है वापस। ये सर जितने वक्त से यहाँ है, इस सर ने कई किसी वजह से मुझे चुना है। इस बार मुझे बहुत सारी सहूलत, नाम, पैसा सब मिल रहा है, धीमे धीमे चीजें बेहतर हो रही है, कुछ अभी भी स्ट्रगल चल रहे हैं, पर अगर कोई और करे बेहतर ढंग से, अगर कर पाए, दिखा पाए, सोच पाए, संवेदनशील हो पाए यहाँ के लोगों के बारे में, इस शहर की हवा के बारे में, इस शहर की इमारतों के बारे में, इस शहर के अपने शहर के बारे में, बम्बई के बारे में सोच पाए, तो शायद मैं इस शहर को छोड़ के कब का चला गया होता। पर कोई सोचता ही नहीं है। कोई जिस शहर में रहते हैं, एक आपने सबसे बड़ी मजेदार बात देखी होगी, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो, वो जहाँ बैठते हैं अपने आसपास की जगह साफ सुथरी रखते हैं, राइट? गांव में देखा होगा सब सुबह हमारे घर के बुजुर्ग है झाड़ू निकाल के झोपड़े के आसपास सब साफ सुथरा रखते हैं, जिससे एनवायरमेंट को, पौधों को, पेड़ों को, लोगों को, बच्चों को, सबको एक साफ सुथरा एनवायरमेंट मिले। वैसा यहाँ नहीं है। यहाँ हम जिस जगह बैठे हैं तो हम अपने इर्द गिर्द चाहते हैं कि थोड़ा ये सब बिखरापन हो और फिर उसमें जिए। मिनिमलिज्म एक लाइफ होती थी, एक कॉन्सेप्ट था, साधारणता। वो साधारणता को मैं बस साधारणता को एक प्रोडक्ट के रूप में लेके चल रहा हूँ, बाकी उसके अलावा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, कोई लैंडस्केप नहीं है। आपने फोटोग्राफी कहाँ से सीखा? फोटोग्राफी यहाँ एक कॉलेज है, हमने वहाँ पढ़ाई की। हमें कहते थे
कि तुम कभी बेहतर फोटोग्राफर नहीं बन पाओगे। क्यों कहते थे? वो यूँ कहते थे कि मैं सुबह जिस कॉलेज का ढांचा था उसमें सब क्या होता है कि रेफरेंस लाके, जितना भी इंटरनेट मीडियम था, किताबें मीडियम थी, उससे किताबों में बहुत कुछ लोग देखते, बच्चे देखते, उसी किताबों में पढ़ पढ़। मैं किताबें नहीं पढ़ता, मेरी किरदारों के पास किताबें जरूर होगी पर मेरे पास कोई किताब पढ़ने, मैंने कोई नहीं पढ़ी। तो मुझे लगता है किताबें में सब कुछ लिखा तो लोग और किताबें क्यों लिखते हैं। तो फोटोग्राफी मैंने पढ़ाई वहाँ की और मुझे लगता, उन्होंने कहा कि आप ये फोटोग्राफी नहीं कर सकते और आप कमर्शियल, आप कहीं सर्वाइव नहीं कर सकते। उनकी बात सही थी। 8-10 साल तक तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहा पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं बस मैं और मेरा दोस्त HS के, हम दोनों काफ़ी फूजी फिल्म के काफ़ी फैन, तो हम दोनों ऐसे मजाक मजाक में बोलते रहे भाई एक दिन इतना रिच होना है कि फूजी फिल्म से हम लोग लाइका में जंप कर रहे। तो आप ऐसा कोई सपना रखते हो क्या? मैं तो इतना रिच बनना चाहता हूँ कि मुझे निकोन कभी छोड़ना ही ना पड़े। मैं वाकई में ऐसा कि मैं इतना रिच हो पाऊँ कि मेरा ये कैमरा सही सलामत रहे, इसको मैं रिटायर करके अपने एक अपने सामने रख पाऊँ, और अगर कोई इसकी जगह दूसरा कोई कैमरा आ रहा है तो वो भी निकोन ही हो। आपका कोई ऐसा ट्रैवल स्टोरी है जिससे आपके आर्टिस्ट होने में काफ़ी फ़र्क पड़ा या फिर आपको कुछ नए आइडियाज मिले? जब मैं रेगिस्तान में, जब 18-19 साल की उम्र में बॉर्डर पे जब मैं घूम रहा था, उस टाइम गर्मियों का टाइम था, जून जुलाई का, और वेदर वहाँ होता है 50-52 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो मैं काफ़ी वक्त वहाँ 2 साल करीब मोटरसाइकिल पे घूमा। रेगिस्तान में 50 किलोमीटर बाइक चलाना और हाईवे पे 200 किलोमीटर बाइक चलाना समान बात है, क्योंकि वहाँ काफ़ी बार 50 किलोमीटर के रास्ते में रेत पड़ती आ जाती है, रेत, और कई बार कच्चे रास्तों में बाइक चलानी होती है टायर में हवा कम करके। फिर आप मैं भी नहीं आती थी पर मैं सीखा। फिर वो काफ़ी सफ़र रहा, उस दौरान मैंने कई लोगों से, सरहद के लोग, पार्टीशन की कहानियाँ, बुजुर्गों, बच्चों की कहानियाँ सुनी। और जब मेरे पिताजी, उस टाइम कई बार डिफिकल्टीज आती थी पर एक 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 वाक्य ऐसा है जब पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ सफ़र करता हूँ क्योंकि मैं बुजुर्ग हूँ, मुझे लोग जानते हैं, तो तुम्हें थोड़ी हेल्प होगी। और पिताजी ने वो जिद की और मेरे साथ रहे। हालांकि उन दिनों हमने काफ़ी अच्छी तस्वीरें साथ बाप बेटे ने उस सफ़र के अंदर, और बाइक के पीछे जब वो बैठते थे और मैं जब मिरर में देखता था उनको, तो बड़ा मुझे खुद के लिए बड़ा बुरा लगता कि एक बेटा होना कितना स्वार्थी होता है, एक बाप होना कितना मायने रखता है, बाप के मायने क्या होते हैं। और तो ना आईने में जब मैं मिरर में उनको देखता था और जिस तरीके से धूप लू, मेरे ऊपर तो हेलमेट था और वो पीछे बैठे रहते, जो रेत उड़ती थी लू में, और जो उतार चढ़ाव थे जीवन के, जब हम, तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि ये सपना मेरा नहीं था बड़ा होना, ये मेरा हो भी नहीं सकता है। तो मैं तो बस उनके लिए कुछ कर रहा हूँ, और ये झूठ है कि शायद मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ। मैं अपने पिताजी के लिए, हो सकता है किसी और, बहुत सारे बच्चों, परिवारों के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, अभी आपने जितना ग्रो किया है फोटोग्राफी में, आगे क्या गोल है? मैं आपको कविता सुनाता हूँ, 2 लाइन। शून्य से 100 की दौड़ में भागे जा रहे हो, 0 से 100 की दौड़ में भागे जा रहे हो, मालूम करो तो और भी दुनिया मिलेगी तुम्हें, अगर मालूम करो तो और भी दुनिया मिलेगी तुम्हें, 100 से अनंत की और 100 से विपरीत। अब जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया। That is what I was looking, कि I wanted answer कि यार मैं जितना आगे जाता हूँ ना, मेरे को उतना आगे का दिखते जाता है कि मैं यहाँ पे भी कुछ कर सकूँ, यहाँ पे भी कुछ कर सकूँ, यहाँ पे भी कुछ। ये आपका खुद का पोएट्री है? जी, वेरी गुड, शुक्रिया। तो मैंने जो भी बोला था कि इंटरव्यू आपको बिल्कुल इंटरव्यू नहीं लगेगा, तो मैंने सच बोला था कि नहीं? यार आप बड़े सच्चे इंसान हो। मैं पहली बार कोई सच्चा इंसान कैमरे के साथ इतना सच्चा इंसान देखा। सॉरी मैं बात आपकी काट रहा हूँ, मुझे एक वाकया याद आया 15 अगस्त की बात। अब मुझे था पहले मन में विचारा है कि मैं कुछ आजादी को लेकर कुछ करूँ, 15 अगस्त को लेकर कुछ, मैं कुछ कॉन्सेप्ट क्रिएट करूँ। तो कॉन्सेप्ट की बात देखो, अभी विचार कहाँ से है, कहानियाँ कैसे बनती है। तो आजाद करने, तब मन में विचार आया कि यार ये परिंदे सबसे ज्यादा जो बेहाल जो है वो है परिंदे शहर में। तो मुझे लगा कि यार परिंदों को आज़ाद करूँगा। अब परिंदों को कैसे आज़ाद करूँ? फिर उसके बाद कुछ दो किरदार ले आए, फिर उसके बाद ह्यूमंस, जितने इमोशंस होते हैं, संवेदनाएं होती है इंसान को, उस तरह से वो एक, और परिंदों की कीमत क्या थी उड़ने की? अब परिंदों से भी मैंने कीमत ली। पहले दुकान गया क्रॉफर्ड मार्केट, मैंने कहा कि परिंदे ऐसे दो जो तो कह, कौन सा परिंदा कितने घंटे उड़ पाएगा? तो उसने कहा ये परिंदा 1000 का एग्जाम्पल, कि ये 6 घंटे उड़ सकता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो ये दूसरा वाला, तो ये कहते हैं कि 600 रुपए का, तो ये कितने घंटे उड़ेगा?
तो ये कहते 2 घंटे। मैंने कहा यार 2 घंटे, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मजबूत परिंदा चुनूं जिसके पंख मजबूत हो और हौसले थोड़े मजबूत हो ना हो, क्या मालूम हो पिंजरे में इतने साल रहा, पर कि वो उड़ पाए तो ये शहर छोड़ पाए, 6 घंटे उड़ पाए। तो परिंदा क्या करता है, तो हमने 6 घंटे उड़ने वाले परिंदे लिए और उनकी कीमत थी कि वो तस्वीरें जब कॉन्सेप्ट शूट होगा उसके बाद मैं उनको आज़ाद, उसी कॉन्सेप्ट के दौरान मैं उनको आज़ाद करूँगा। कितना बड़ा स्वार्थ था मेरा कि वो परिंदों को आज़ाद करना, पर परिंदों ने कीमत चुकाई। और उससे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि हमने जो पिंजरा लिया था वो तो हमने उसी शूट के दौरान तोड़ दिया, कि मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे खून पसीने की कमाई है वो किसी और उसमें और पिंजरे में कोई परिंदे कह दो। पर परिंदे क्या किए कि वो नज़दीक का जो पेड़ दिखा है तो परिंदे ना, वो सबसे नज़दीक के पेड़ पे जाके बैठ गए। मैंने कहा बेड़ा गर्क। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस ब्रो, आई रियली लाइक इट। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर बिग शॉट स्टूडियोज फॉर गिविंग अस दिस स्टूडियो एंड लेट अस रिकॉर्ड इट, एंड दे आर ऑल्सो आवर स्पॉन्सर्स। सो या इफ यू आर समवन जिनको फोटोग्राफी अच्छा लगता है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ स्टूडियो, कम टू बिग शॉट स्टूडियो। द डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस और लिंक भेज दूंगा। वो बड़ा सुंदर स्टूडियो है, यहाँ से कितना सुंदर, यहाँ से लाइट आ रही है, परिंदे बैठे हैं, आसमान है, खुला पूरा एक लैंडस्केप है, उधर इमारतें हैं। Yeah, it's beautiful. Beautiful. और बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अरे नो, माय प्लेजर।